हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग 20 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ वॉन द फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी ने चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 जीता। ऑप्शंस हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु यूनिवर्सिटी, गुरु नहीं होना चाहिए यहाँ पे, गुरु नानक यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर जैन यूनिवर्सिटी। बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी ने जीता है फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो इसको जीता है भैया किसने? ऑप्शन नंबर डी, जैन यूनिवर्सिटी ने। इसको ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है, जैन यूनिवर्सिटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत टाइप के क्वेश्चंस भी अपलोड होते हैं करंट वाले, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वीक वॉज सेलिब्रेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 फरवरी टू 1 मार्च। बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 26 फरवरी से लेके 1 मार्च तक कौन सा वीक सेलिब्रेट किया गया। ऑप्शंस हैं फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, बैंक लिटरेसी वीक, RS लिटरेसी वीक या फिर क्लाइमेट लिटरेसी वीक। बताइए तो ये भैया कौन सा वीक सेलिब्रेट किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इन विच ओशन इज द एगालेगा आइसलैंड लोकेटेड। आइलैंड, ठीक है, बताइए एगालेगा आइलैंड जो है ये कौन से ओशन पे है, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन या फिर पैसिफिक ओशन। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका इंडियन ओशन। पीएम मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बाय लैंड टनल इन। बताइए पीएम मोदी के द्वारा जो है दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज जो है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बाय लैंड टनल, सिक्किम, अरुणाचल, बिहार या फिर हिमाचल। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी आपका, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे होगा आपका गोपिका वर्मा, ठीक है ना, जी होगा यहाँ पे। तो बताइए गोपिका वर्मा इज़ अ क्लासिकल डांसर ऑफ, गोपिका वर्मा जो है ये कौन सी डांस फॉर्म की क्लासिकल डांसर है, मोहिनीअट्टम, कथक, मणिपुरी या फिर कुचिपुड़ी। सो इफ यू टॉक अबाउट गोपिका वर्मा तो ये भैया आपकी क्लासिकल डांसर हैं किसकी, मोहिनीअट्टम की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज इज द लॉन्गेस्ट। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ये जो है सबसे बड़ी है, लॉन्गेस्ट है, इंडो पाक, इंडो चाइना, इंडो म्यांमार या फिर इंडो बांग्लादेश। देखिए सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी आपका, इंडो बांग्लादेश इज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल बी गेटिंग इट्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन रामपुर स्टेशन विद द फाउंडेशन स्टोन टू बी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बताइए कौन से राज्य को जो है उसको पहला रेलवे स्टेशन मिला है जिसका नाम है रामपुर रेलवे स्टेशन, जो कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शंस हैं मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल। तो सिक्किम को उसका पहला रेलवे स्टेशन मिला है रांगपो स्टेशन, ठीक है, रांगपो रेलवे स्टेशन। विच कंट्री वॉन द फर्स्ट UEFA वुमेन्स नेशनल फुटबॉल लीग 2023-24। बताइए कौन से कंट्री ने जीता है पहला UEFA वुमेन्स नेशनल फुटबॉल लीग 2023-24 का, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड या फिर इंडिया। ये जीता है आपके किसने, स्पेन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द चापचर कुट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च। बताइए मार्च के महीने में जो है हर साल मतलब कि चापचर कुट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है।
कौन से स्टेट में मनाया जाता है मार्च महीने में? चापचरकूट फेस्टिवल जो है ये आपके मिजोरम में मनाया जाता है। वेयर विल द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 बी हेल्ड? बताइए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का जो होने वाला है ये किस जगह पे होगा, कौन सी देश में होगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना या फिर जापान? तो देखिए ये जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ना, ये आपका किस जगह पे होगा भैया, ये होगा आपका चाइना में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट सिल्वर फिलिग्री हैज गॉट GI टैग? बताइए कौन से स्टेट के सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है? ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है हु हैज इनॉग्रेटेड द सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर इन हैदराबाद? बताइए हैदराबाद में सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, शॉर्ट फॉर्म है इसका कैरो? नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, जगदीप धनखड़ या फिर निर्मला सीतारमन? तो देखिए आपको याद रखना है अगर आप इनॉग्रेटेड उद्घाटन वाले में आप अगर कन्फ्यूज़ हो और उसमें ऑप्शंस में आपके नरेंद्र मोदी आते हैं तो आपको याद रखना है कि मेनली जितने भी इनॉग्रेशन है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। विच फाइनेंस कंपनी हैज़ बीन बैंड बाय RBI फ्रॉम डिस्टर्बिंग गोल्ड लोन्स? बताइए कौन से फाइनेंस कंपनी को जो है RBI के द्वारा बैन किया गया है फॉर डिस्टर्बिंग गोल्ड लोन्स? फोर होगा यहाँ पर, ठीक है, फ्रॉम की जगह बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया आपका, ये होगा IIFL फाइनेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट? भारत का पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट का नाम क्या है? बताइए होमोसेप एटम, स्वैच SBS 1, क्लीन टैंक 500 या फिर रोबो क्लीनर 2.0। ये है आपका होमोसेप एटम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक इंस्टॉल्ड? दुनिया का पहला वैदिक क्लॉक कहाँ इंस्टॉल किया गया है? जहाँ पे शिप्रा नदी है, जयपुर में है शिप्रा नदी नहीं, वाराणसी में है, हरिद्वार में है नहीं, ये तीनों जगह पे तो आपका गंगा नदी है ना, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए उज्जैन, ठीक है, उज्जैन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दुनिया का पहला ऐसा शहर है जहाँ पे वैदिक क्लॉक को इंस्टॉल किया गया। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हैपन इन विच ईयर? बताइए रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो है ये कब हुआ, बताइए ये कब हुआ रॉलेट एक्ट सत्याग्रह? 1919 में। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? बताइए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा उसको आप देख लेना, देखिए क्योंकि देखिए पॉलिटिकल गुरु पूछ रहा है यहाँ पे, है ना, तो बताइए सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन है? जैसे महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, है ना, तो इसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन है, ये हैं आपके चितरंजन दास। विच मोमेंट वॉज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल? जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उस टाइम पे आपको बताना है कि उसके रिस्पॉन्स में, उसके रिएक्शन में कौन सा मोमेंट जो है, आंदोलन जो है ये किया गया था स्टार्ट, तो ये किया गया था भैया आपका स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। एंड लास्ट क्वेश्चन हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हैदराबाद शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? इजी क्वेश्चन है मूसी नदी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो वीडियो कहीं पेंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।